हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है तीज के एक दिन के पहले का ब्लॉग। और आप सबसे पहले मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं ये जो ब्लॉग है वो लेट से पोस्ट कर रही हूँ तीज के बाद, यानी आज पारन के दिन, क्योंकि मैं काम में बिजी थी और एडिट ही नहीं कर पाई। यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्रसाद गुजिया, तो इसे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं खोवा घर में ही बनाई, दूध 1 लीटर दूध को सुखा करके इसके बाद खोवा पहले बना लिए, इसके बाद इसमें सूजी ऐड करेंगे और साथ में इसमें चीनी और नारियल बुरादा ये सब डाल करके इसे मिक्स कर ले रहे हैं अच्छी तरह से। और फिर बाहर में बैठ करके आराम से हेल्प कर रही है छवि, यहीं पर बैठ करके बना रहे हैं। और मैं सांचे का उपयोग कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इस सांचे पर दबा दबा करके जल्दी से बन जाता है फटाफट। और एक दिन पहले 2 दिन पहले बना लेने से ठीक रहता है, क्योंकि तीज के दिन तो फास्टिंग रहता है और उसके बाद पूजा का सामान तैयार करना, रेडी होना, ऐसे बहुत सा काम होता है। तो प्रसाद अगर पहले बन जाए तो ही अच्छा रहता है। ये देखिए मेरा बन गया है। और ये मैदा बेलना बहुत टफ होता है, जितना बेलो उतना छोटा होते जाता है, तो ये काम करना तो बहुत टफ है, समझिए एक जंग है। और ये जंग मेरी अभी जारी है। तो ये प्रसाद बनाना काफ़ी मेहनत वाला है। प्रसाद जो है गुजिया जो बनता है, हमारे यहाँ तो इसे पिढ़किया बोलते हैं, बिहार झारखंड में इसे पिढ़किया ही बोलते हैं। खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, इसलिए बनाना ज़रूरी है, क्योंकि घर में सब लोग को पसंद आता है, सब लोग इसे खाते हैं तो बनाते हैं। और इसे यूपी में गुजिया बोलते हैं, जहाँ की होली के टाइम में विशेष रूप से बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ और बहुत अच्छा बना है, सांचे से भी बनाने के बाद अच्छा ही बनता है, चाहे आप हाथ से बनाइए या सांचे से। तो देखिए मेरा बन करके रेडी हो गया। और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना, इसके बाद इसे डब्बा में रखेंगे। अगर ऐसे रख दिया तो फिर भाप से वो सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और फिर इसके बाद मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, और मेहंदी छवि से लगवा रही हूँ इस बार। वैसे तो मैं ही लगाती थी खुद से, लेकिन मैं बोली चलो तुम बैठी हो तो मुझे मेहंदी लगा दो। अरे दाहिने हाथ में मैं लगवा ले रही हूँ अभी, और ये मेहंदी सूख जाएगा। और आजकल का जो मेहंदी होता है वो केमिकल वाला होता है, तो तुरंत सूख जाता है, और इसे हटा देने के बाद लेट लेट भी अपना कलर आते रहता है। हालांकि कलर आता तो है, लेकिन मेहंदी तुरंत छूट जाता है। और जब पहले मेहंदी लगाते थे हम लोग, वो पाउडर वाला ही आता था, लेकिन उसे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता था, उसे घोल करके फिर कुफी बना करके लगाते थे। तो वो मेहंदी कम से कम 15 दिन चलता था, 15-20 दिन तो मतलब अच्छा लाल रहता था, धीरे धीरे हल्का होकर के हो जाता था। और ये तो तुरंत चला देता है स्किन और इसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो जैसे जैसे समय बदलता है सब कुछ बदल जाता है। और ये मेहंदी हाथ में 2-3 दिन के बाद छूटने ही वाला है। और यहाँ पर मैं कुछ सामान था उसे मैं एडजस्ट कर दे रही हूँ। और आज जो है वो नहाए खाए होता है, तो नहाए खाए के दिन जो खाना बनाते हैं हम लोग, विशेष रूप से बनता है सात्विक भोजन, जो लहसुन प्याज के बगैर बनता है। तो आज सुबह भी मैं बिना लहसुन और प्याज वाला ही खाना बनाई थी, और इस टाइम भी मैं वही बनाई हूँ। और ये है भुट्टा, तो ताज़ा ताज़ा एकदम है, मैं सोची चलो एक छील के और खाते हैं। और ऐसे भी नहाए खाए के दिन ये सब खाया जाता है, जो मौसमी फल होता है वो सब भी खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक तरफ नेनुए की सब्जी, और वो भी बिना लहसुन प्याज की है, और इसे फोरन पर बनाए हैं, जिसे तड़का लगाना बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में, इसे फोरन बोलते हैं। और अब तो इस तरह का सब्जी बहुत कम ही बनता है, क्योंकि जो तड़का लगाना फोरन जिसे बोलते हैं गांव की भाषा में, वो तो जैसे लगता है कि लुप्त ही हो गया है। नेनुआ की सब्जी, कद्दू की सब्जी और बहुत सा सब्जी जो है सिर्फ तड़का लगाकर ही बनाया जाता था और बहुत टेस्टी बनता था, लेकिन अब तो लगभग लगभग सभी सब्जी में एक ही मसाला होता है। और मसाले में जो हम तड़का लगाते वो भी अलग अलग होता था पहले, लेकिन अब उस तरह का नहीं देखते हैं। कद्दू के सब्जी में मेथी का फोरन पड़ता था, और नेनुआ का सब्जी सरसों, मतलब हर सब्जी में अलग अलग तड़का लगता था। और अब जो है वो सब कुछ चेंज हो गया है। ज़्यादातर सब्जी जो है वो काली मिर्च, जीरा, हल्दी, मिर्च पाउडर, गर्म मसाला, धनिया पाउडर डाल करके, और उसमें थोड़ा सा
ग्रेवी के लिए काजू किशमिश डाल दिए, और वो ग्रेवी जो बना उसी में मटर पनीर बनाइए या फिर मशरूम बनाइए, जो भी बनाना है उसी में बनाइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। और तीज की तैयारी काफ़ी जोर शोर से हो रही है। अरे देखिए, मेरे हाथ में मक्का है, अभी अभी से इसे पका करके लाए हैं खाने के लिए। और मेरी तैयारी आधी अधूरी है। मेहंदी भी एक हाथ में लगाया, देखिए अभी ये हाथ नाइट में खाना खाने के बाद लगाएंगे, खाना भी रोटी बनाना है इसलिए इसे सोने के समय लगाएंगे एक हाथ में, इसे दिन में छवि लगा दी। और आज ऐसा हुआ कि बारिश जो है वो मेरे मार्केट जाने के टाइम में ही आ गया। सोची क्या शाम को मार्केट जाएंगे और फिर सब कुछ खरीद लेंगे, पूजन सामग्री दान करने का, या मुझे चूड़ी लेना था जो सिंगार का सामान होता है, बिंदी चूड़ी, वो भी ले लेंगे। लेकिन भगवान जी बोले कि तुम लेट कर रही हो तो और अच्छा से लेट हो जा तो अच्छा तरह से मेरा लेट हो गया। और बारिश, इतना तेज बारिश आया आज, करीब एक आध सप्ताह के बाद आया है बारिश, इतना तेज गर्मी, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा था हमारे यहाँ। लेकिन बारिश आने से मौसम भी ठीक हो गया, बहुत तेज़ बारिश आया जिसके चलते मैं मार्केट नहीं गई, मेरा काम भी नहीं हुआ, इसलिए मैं आप सबको कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ कि मैंने तीज की तैयारी के लिए क्या क्या शॉपिंग की। चूड़ी बिंदी कुछ नहीं दिखा पा रही, तो अभी सिर्फ प्रसाद बनाए हैं, क्या बोलते हैं, गुजिया पेड़ा किया वही, और अभी खाना बना रहे हैं। और खाना बनाने के बाद भिंडी लगाएंगे। चलिए आप सब भी आइए, किनको किनको पसंद है भुट्टा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं गांव से हूँ और गांव के लोग ये सब चीज़ खाकर ही बड़ा होते हैं, तो मुझे ये सब चीज़ पसंद है। हमारे ज़माने में मैगी चाउमीन पास्ता नहीं होता था, यही सब चीज़ तरह तरह से इसे खाते थे, पकाकर, इसे उबाल कर, इसका रोटी बनाकर, इसका पता नहीं क्या क्या डिश बनता था उस समय, ज़माना हो गया खाए तो याद भी नहीं है रोटी नहीं बनता था उसका, मतलब छिलका बनता था, रोटी ही कहिए, रोटी तो सूखा आटा का बनता है, इसका जो दूध वाला मकई होता था उसका बनता था छिलका, तो बहुत साल हो गया खाए। ठीक है, मिलते हैं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।